ये हमारा छोटा चेतन जाते हुए वैभव आराम से। Hey, we are going to expose some of these places, Kimadi, Chandroti and Lamida mines, out of which this is the first place, that is Chandroti, guys. More about this place is that it is quite dangerous for girls, you know. यहाँ पर ना पहले काफी सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और ये हमारा पहला ब्लॉग है और सुन लो सब सुन लो, इस ब्लॉग को ढंग से देखना, मजे करना, एंजॉय करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, अपना लव दिखाना। सो आज विजिट करते हैं, एक्सपोज करते हैं, देखते हैं गाइस। मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहाँ पर मैं बचपन में डूबने वाला था, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको एक ऐसा मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ पर राहन वगैरह से यहाँ से लोग आते हैं। सही, एंजॉय करना यार, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही देना जरूर। पहले हम कहाँ जाएंगे? पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, वो तो खैर हम चंद्रोटी में ही है मेरे भाई। रिच कैंपिंग भी चल रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है, पबजी जो खेलते हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। ब्रिज के नीचे से हम होके जाते हैं और 100 मीटर हम चलते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पर क्या है। गो विद दिस बीस्ट। यो सक्षम मल्होत्रा मेरे साथ ही है एंड आगे ये मेरे साथ वैभव कुमार, मायसेल्फ वैभव, व्हाट्सअप, और आगे हमारा गिटारिस्ट आ रहा है वैभव खत्री। तो गाइस मैं आपको यहाँ की एक रियलिटी बता देता हूँ, जो यहाँ पर सही में हुआ था वो एक्चुअली यहाँ पर वो हुआ था इस जगह में कहीं पे, जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पर एक लड़की की गर्दन काट के फेंक दी थी, विच वॉज वेरी टेरिफिक, यू नो। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर शाम को आना इज टोटली डेंजरस। गाइस उस जगह हम पहुंच चुके हैं जहां पर एक बार मैं फिफ्थ क्लास में डूबने वाला था, एंड लेट मी शो यू दैट प्लेस। ये है वो जगह गाइस, एंड स्टिल हैव सम वाटर, देख ही सकते हैं आप, यहां पे गहरा पानी हुआ करता था पहले काफ़ी ज़्यादा, चढ़ जाएगा। और ये देखिए ये हमारा छोटा चेतन जाते हुए आराम से। ओरे 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 ओरे। सो कुमार भाई की एक जंप के लिए, कुमार भाई की एक जंप के लिए। One more thing guys, मैं आपको बता दूं, if you continue walking over there, you'll see a water cyclone, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और यहाँ से सीधा जाते हुए आपको एक और जगह मिलेगी, दैट इज भट्टी गोला। गाइस ये था आपका चंद्रोटी, नाउ वी आर हेडिंग टू टू मोर प्लेसेस, दैट इज वन इज किमाड़ी एंड अनदर वन इज लंबीदार। किमाड़ी यहाँ से कितनी दूर होगा? लगभग यहाँ से होगा इट्स अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स। सुरकंदा मंदिर, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ से राजस्थान के लोग आते हैं यहाँ पर, जिनको सोना वगैरह टोटका वगैरह जो भी है ना वो सब यहाँ पर सही होता है, यहाँ सही होता है। यहाँ पर काफ़ी दूर से लोग, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। Yeah.
वी आर एट जन्नत। इसका नाम जन्नत इसलिए रखा गया है क्योंकि आप देख सकते हो। बाकी का आपको इस प्लेस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ये वैभव खत्री दे देगा, हमारा फ्रेंड। यहाँ से संतला देवी दिखता है गाइस, लेकिन आप लोग को अभी संतला देवी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये फोन रिकॉर्डिंग वी आर नॉट हैविंग द डीएसएलआर। पर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए और हमारे पास जल्दी से डीएसएलआर आ जाना चाहिए। बहुत जल्द आएगा भी, बट प्लीज सपोर्ट, ठीक है। शूटिंग भी हुई थी, हम लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पर शूटिंग चल रही थी। से लंबीधार आपने देखा जैसे कि 13 किलोमीटर है हमारे इस पॉइंट से, और लंबीधार को बेसिकली वहाँ पर दो स्टोरीज मानी गई है, हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है। उसकी दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी ये है कि वहाँ माना जाता है कि 120 वर्कर्स थे और 120 वर्कर्स फ्लड आया था तो इस वजह से वहाँ पर उन लोगों की डेथ हो गई, तो अभी भी माना जाता है कि वहाँ पर उनकी सोल वगैरह भटकते हैं। एंड दूसरी स्टोरी वैभव खत्री क्या थी? दूसरी स्टोरी है कि गाइस वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अब हमें तो नहीं पता सीरियसली कि शॉर्ट सर्किट हुआ था या नहीं, अब ये या तो मिथ है या फिर रियलिटी है। तो इसकी दो कहानियाँ थी, एक तो सागर ने बताई और एक मैंने बताई कि शॉर्ट सर्किट हुआ था। एंड वी आर सो सॉरी कि हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा है। ये देखिए अभी तो यहाँ पर ये सही कर दिया है, लेकिन आगे और भी ज़्यादा लैंडस्लाइड है। हमने यहाँ पर पूछा था कि आगे रास्ता सही है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आगे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की, तो इसलिए अभी हम नहीं जा सकते हैं। अब वो किमाड़ी है जहाँ पर हम अभी एट प्रेजेंट हैं, और यहाँ से तीसरा जो हमारा स्पॉट था वो था लंबीधार। और आगे आपने बताया, ऐसा वैभव खत्री ने आपको बताया कि आगे लैंडस्लाइड हो रखी है, इस वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा गाइज, लंबीधार तो इस बार नहीं जा पाएंगे, बट नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे और आपका सपोर्ट रहना चाहिए हर चीज़ को। नेक्स्ट टाइम लंबीधार के साथ हम लोग आपको जॉर्ज एवरेस्ट तक लेकर के जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे मसूरी के, जो कि यहाँ की अपने देहरादून अपने उत्तराखंड की मसूरी की सबसे टॉप पीक मानी जाती है, वहाँ जरूर जाएंगे। और वो इसी रास्ते से जाएंगे, बीच में लंबीधार पड़ेगा, आपका सपोर्ट रहना चाहिए। हम नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी शूट करेंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थम्स अप प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब घंटी जरूर बजाइए जरूर।